चलो लिख लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लिखो कंसीडर एन पार्टिकल्स, कंसीडर एन पार्टिकल्स M1, M2, M3, कंसिडर एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस, कंसिडर एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1, M2, जैसे ऐसे लिखो M1, M2, डैश 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 MN, आर प्लेस्ड इन स्पेस, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मास यहाँ पे M1 है, इसका कोऑर्डिनेट है X1 कोमा Y1 कोमा Z1, ठीक है। एक M1 है, एक मास मान लो कि M2 है, इसका है X2 कोमा Y2 कोमा Z2, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पे है मान लो कि MN, इसका कोऑर्डिनेट है XN YN कोमा ZN, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो इसका XCM यानी कि X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ले लिख लो XCM। XCM क्या है? X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है COM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एक्सीएम हम कैसे निकालेंगे? तो एक्सीएम के फॉर्मूला होता है M1 X1, यानी कि मास M1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, M1 का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस M2 इंटू X2, डैश 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 MN इंटू XN, अपॉन में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 डैश 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 MN, क्या पूरे सिस्टम का। जैसे किसी स्पेस में रखा हुआ है M1 M2 MN रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो XCM X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, हमने इस सिस्टम का XCM YCM और ZCM निकालेंगे, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट। अब जैसे YCM लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे M1 X M1 Y1 प्लस M2 Y2 डॉट 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 MN YN, अपॉन में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस MN, ठीक है। और ZCM कितना लिखेंगे? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस प्लस MN ZN, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस 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 MN। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर टू पार्टिकल्स हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे? M1 X1 प्लस M2 X2, अपॉन में M1 प्लस M2। अगर थ्री पार्टिकल्स है तो थ्री के लिए लिखेंगे, एट पार्टिकल्स है तो एट के लिए लिखेंगे। ऐसे टू और फोर ही होता है, टू थ्री फोर ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बताओ इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। एनसीईआरटी लेकर आए हो? एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल देखो।
चलो आगे करो। हाँ ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7.1 लाइन नहीं लाया एग्जाम्पल। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, एक ट्रायंगल है, चलो मैं लिखा देता हूँ। चलो ये सब नोट कर तो कर लिए। एक ट्रायंगल है जिसका मास है 1 जैसे मास है तुम्हारा 100 ग्राम, यहाँ पे है 200 ग्राम और यहाँ पे है 150 ग्राम। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड है तुम्हारा 0.5 मीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकलना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकलना है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने। हाँ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो मैं पहले मैं करके बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। कैसे तो इसमें जैसे सुनो, ये कैसे पता कि किसको हमको जीरो लेना है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कि हम डिफरेंट मासेस गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम गिवन है, उसका साइड है 0.5 मीटर, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो किसको हम ओरिजिन पे लेंगे, ये तो कुछ गिवन नहीं है, गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस सेट करते हैं। जैसे एक्स ले लेते हैं, एक दो पहले मैं करता हूँ, उसके बाद में तुम लोग करना, ठीक है। इसके बाद में हमने ऐसे एक ट्रेंगल ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। ऐसे ये तो 3 डायमेंशनल है नहीं, ये तो प्लेन में ही होगा ना, ट्रेंगल तो 3 डायमेंशनल होता नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेट तो हम 0 0 ले लेंगे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। 0.5 जीरो को 0.5, तो पहले एक से लिखते हैं, कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं। अच्छा देखो इसका लेंथ कितना है, 0.5 गिवन है, 0.5 गिवन था ना। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं कि पहले वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, पहले एक्स देते हैं वाई। अच्छा फिर इसका कोऑर्डिनेट बता दो, 0.5। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 0.5 है, तो ये 0.25 होगा, ये 0.25 होगा, तो 0.25 तो होगा ही, लेकिन ये कैसे पता है कि ए लेंथ और ए लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो सकता है नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए लेंथ है, इसके कैसे इक्वल हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, या तुम ये जानते हो ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल है तो 60 होगा, और ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 0.25, तो ये निकाल सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या साइन कोस टेन लगा सकते हैं। तो इसमें टेन लगाएंगे, इसका मान लो कि ये वाई है, तो 10 60 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन में 0.25। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25, और 10 60 कितना होता है, √3। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया √3/4। चलो इसका तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब किस मास को हम कहाँ पे रखें, ये तो कुछ गिवन नहीं है, ये तो नहीं गिवन है कि किस मास को कहाँ पे रखेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए जब भी पेपर में आएगा तो या तो फिगर बना हुआ आएगा कि मास को कहाँ कहाँ पे रखना है, यानी तो ये आएगा कि किसको ओरिजिन लेना है, ठीक है। तो इस बुक में यहाँ पे कितना मास लिया हुआ बताना, फिगर में 100 ग्राम, तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या 100 ग्राम, और इसको हमने मान लिया M1। यहाँ पे कितना गिवेन है,
यहाँ पे एम टू ले लिया और 150 ग्राम लिख दिया, क्या एकदम ले सकते थे? इसमें कोई हम इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, जैसे एसएल में कुछ क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे अभी मैं बताऊंगा उसमें प्रॉपर वे से दिया हुआ है कि किसको एक्स लेना है किसको वाई लेना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने कहा कि इसमें हम बुक के अकॉर्डिंग ले रहे हो, कहीं भी ले सकते हैं, इसमें तो गिवन नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं, इसलिए मैं बोला कि ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। इसमें इसका ये नहीं गिवन है कि किसको कहाँ पे रखना है, ठीक है। और एम थ्री को हमने यहाँ पे ले लिया, एम थ्री कितना गिवन है 200 ग्राम। अब चलो इसका एक्स सी एम और वाई सी एम निकाल दो, जैसे अब एक्स सी एम निकालना है, एक्स सी एम निकालना है तो इसमें कितने मासेस हैं, थ्री मासेस है, तो एम वन एक्स वन प्लस हम क्या लिख सकते हैं एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। एम वन बताओ कितना है 100 ग्राम, एक्स वन बताओ 0, प्लस एम टू बताओ 150 इंटू 0.5 प्लस एम थ्री कितना है 200 0.25 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 150 प्लस 200। चलो इसको सोल्व करके बताओ, हाँ जी सोल्व करके इसका आंसर बताओ। सिमिलरली वाई सी एम कितना होगा, वाई सी एम होगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री अपॉन में एम वन एम थ्री, ठीक है। तो बताओ एम वन कितना है 100 और वाई वन कितना है बताओ 0 है, देखो यहाँ पे। अच्छा एम टू बताओ एम टू कितना है और वाई टू 0 हो जाएगा, प्लस एम थ्री बताओ 200 रूट थ्री बाई फोर और क्या कर देंगे 100 प्लस 150 प्लस 200। चलो इसको सोल्व करके आंसर करके बताओ। किसका? अच्छा 5/18 है। अच्छा चलो सेकंड करो,
कितना आ रहा है? ठीक है आंसर। अच्छा चलो ठीक है, आ गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद करके बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे गिवन है, एक स्क्वायर है, यह है तुम्हारा एक्स, यह है तुम्हारा वाई और यह है ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे मास गिवन है एम, यहाँ पे मास गिवन है 2m, यहाँ पे मास गिवन है 3m और यहाँ पे मास गिवन है 4m। ठीक है, और इसका साइड है a, इसका स्क्वायर का साइड है a, तो इसका xcm और ycm फाइंड करना है। स्क्वायर है दिए, मैं क्वेश्चन एक बार कर देता हूँ। फोर मासेस ऑफ, फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, 2m, 3m, 4m रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड a एज शोन इन फिगर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। गिवन है एम, टू एम, थ्री एम, नहीं ए, यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे टू एम है, यहाँ पे थ्री एम है, यहाँ पे फोर एम है, और कोऑर्डिनेट तुमको खुद से निकालना है और इसका साइड है ए। हाँ एक्स सी एम वाई सी एम है, तो एक इसका सेंटर ऑफ मास एक्स वाई प्लेन में ही होगा, ये तो प्लेनर बॉडी है। एक्स सी एम ए बाई टू है और वाई सी एम सेवन ए बाई टेन है। ठीक, सेवन एन बाई टेन। चलो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। इसका कोऑर्डिनेट अपने से डिसाइड करना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो ओरिजिन है 0,0, एक्सीएम ए बाई टू है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट बताओ तो कितना होगा, तुम बताओ कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट, 1,0 जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा, इसका बताओ तुम ही बताओ। हाँ तुम ही बताओ कितना होगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ए ए है और ए भी ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए कोमा ए हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे इसका तुम्हारा ए है तो इसका 1,0 हो जाएगा, ए ए हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो जीरो, और कोमा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और चलो पुट कर दो, सेवन ए बाई टेन,
हाँ 7a/10 चलो एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा, हो गया तुम्हारा? जल्दी बताओ। एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी के देखो एक एग्जांपल है, वो करके बताओ, लेमिना वाला करके बताओ। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर सीट है, जैसे एक ट्रायंगुलर सीट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो इसको उसको हटा दूँ, वो हो गया। अच्छा हो गया तुम्हारा, आ गया आंसर सबका। अच्छा जैसे मान लो कि एक ऐसे सीट है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही बताना है कि कहाँ पे होगा। देखो हाँ सेंटर, इसको हम ऐसे ज्वाइन करा देंगे, इसको हम मेडियन क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारा ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यही उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कोई भी ट्रायंगुलर लेमिना निकालना हो तो हम क्या करेंगे, थ्री मेडियन ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पे क्रॉस करेगा उसको हम बोलेंगे। ठीक है चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो ये क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। हाँ सेंट्रोइड है, चलो लिखो। थ्री मास ऐसे लिखना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थ्री पार्टिकल्स, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस वन केजी, टू केजी एंड थ्री केजी लाइज एट ए पॉइंट, लाइज एट ए पॉइंट 3.3.3, यानी कि 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, क्या मतलब कि तीन पार्टिकल हैं वन के जी, थ्री पार्टिकल्स हैं वन के जी, टू के जी, थ्री के जी, वो इस तरह से ओरिएंटेड है स्पेस में, उसका कोऑर्डिनेट नहीं गिवेन है, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट गिवेन है, XCM, YCM और ZCM गिवेन है, और तीनों वो गिवेन है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, वेयर शुड ए फोर्थ पार्टिकल, वेयर शुड ए फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg बी प्लेस्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फोर्थ पार्टिकल, so that the center of mass of the four particle system lies at a point 1 meter, 1 meter, 1 meter। समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एक चीज कि 1 kg, 2 kg, 3 kg मास स्पेस में ओरिएंटेड है, कहीं पे रखा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना है, 3 meter, 3 meter, 3 meter। फोर्थ पार्टिकल को हम कहाँ रखे स्पेस में ताकि इस चारों का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाए, 1 meter, 1 meter और 1 meter हो जाए, यही कहा जा रहा है। करके बता दो, क्वेश्चन समझ लिए ना कि क्या कहा जा रहा है। 1 kg, 2 kg, 3 kg पार्टिकल्स हैं, उसको स्पेस में रखा गया है, इस तरह से रखा गया है कि उसके सेंटर ऑफ मास
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट गिवन है 3 3 3। तो फोर्थ पार्टिकल जो 4 kg का है उसको कहाँ पे रखें ताकि चारों पार्टिकल का कंबाइंड, चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास 1.1.1 हो जाए। यानी कि 4 kg जो मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बताओ कितना आया? बिल्कुल नहीं, एकदम कॉन्स्टेंट आएगा। मैं करके बताऊं? माइनस आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता, एकदम आ सकता है। तो एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस टू है ना? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू है। तो वाई करो और जेड करो। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू है। तुम कैसे कर रही हो? वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस टू है। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस टू है। चलो मैं करके बताता हूँ, देखो। हाँ, तीनों माइनस टू माइनस टू माइनस टू है। मैं करके बताता हूँ, देखो। कितना था? 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है। तो मान लो कि एक मास यहाँ पे है, एम वन है इक्वल टू 1 kg है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन, वाई वन और जेड वन, ठीक है। एक मास मान लो कि M2 है, यह है 2 kg, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक है। और एक है यहाँ पे M3 जो कि 3 kg है और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3, ठीक है। और उसका सेंटर ऑफ मास 3, 3, 3 है। CM यही है, ठीक है। तो हम HCM लिखेंगे, HCM इज इक्वल टू कितना है 3 और ये कितना है M1, यानी कि M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 अपॉन में कितना हो जाएगा M1 plus M2 plus M3। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। M1 1 है तो X1 लिख देते हैं, M2 2 है तो 2x2 लिख देते हैं, M3 3 है तो 3x3
अपॉन में कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो ये थ्री है। अब हम लिख लेते हैं एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इजकल टू कितना हो जाएगा, एटीन हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा फोर्थ मास एम फोर, सुनो फोर्थ मास एम फोर यहाँ पे रख दिया गया, एम फोर इजकल टू कितना है, फोर के जी है, और इसका है मान लो कि एक्स फोर वाई फोर कोमा जेड फोर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो जब हम कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो एक सी एम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे एम वन, क्या हाँ, तो इसमें लिखेंगे एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर अपॉन में कितना हो जाएगा, एम वन एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एम वन वन है, तो एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री प्लस फोर एक्स फोर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको तो निकालना है, इसका वन गिवन था ना, चारों का सेंटर ऑफ मास वन था। अब देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू तुम निकाल के पुट कर दो, यहाँ तो अभी निकाला हूँ मैं, एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इजकल टू एटीन, तो इसको हम लिख देंगे एटीन फोर एक्स फोर टेन इजकल टू कितना हो जाएगा, वन, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इजकल टू एटीन प्लस फोर एक्स फोर, इसको माइनस करो इधर लेके तो कितना हो जाएगा, माइनस एट इजकल टू फोर एक्स फोर, इसलिए कितना हो जाएगा माइनस एट बाई फोर कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स फोर, इसलिए एक्स फोर इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस टू मीटर। अब चलो सिमिलर वाई के लिए निकालो, अब इसी तरह से वाई सी एम करो, आ गया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब ये सब क्वेश्चन मैं क्या कराऊं, देखो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, दो तीन क्वेश्चन बोलता हूँ, ये सब कराने से क्या फ़ायदा है। दिया हुआ है टू बॉडीज ऑफ मास सेस वन के जी टू के जी आर लोकेटेड वन कोमा टू एंड माइनस वन कोमा थ्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दो मास देखे, दो मास गिवन है, एक वन के जी और एक टू के जी, जो वन के जी है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है वन कोमा टू, और जो टू के जी गिवन है उसका कोऑर्डिनेट है माइनस वन कोमा थ्री, एक्सीएम निकालना है, ये तो सिंपल है। और सब मोस्टली इसी टाइप से हैं, जैसे गिवन है एक दूसरा गिवन है तुम्हारा थ्री ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म, नहीं ये तो अभी हम डिस्क्रीट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है थ्री पॉइंट मासेस वन के जी टू के जी थ्री के जी लाई एट वन कोमा टू, दूसरा है जीरो कोमा माइनस वन और टू कोमा माइनस थ्री, तो कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास एकदम ईजी है, ठीक है। तो ये सब तो निकाल ये सकते हो। अभी क्या है डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, अब कंटिन्यूस जैसे एक रॉड का निकालना हो, बुक का निकालना हो, हाँ वो सब अभी कंटिन्यूस बॉडी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक और फॉर्मूला लिखाता हूँ, जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ मास तुमको कार्टिजियन कोऑर्डिनेट एक्स आई जे के में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, अब इसी तरह से वाई जेड करूं या हो गया, समझ गए, सेम इसी टाइप से करना है, समझ रहे हो ना। तो एक्स हो गया, उसी तरह से वाई के लिए करेंगे जेड के लिए, ठीक करें। और अब चलो एक दूसरा है, जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास जैसे अब ऐसे गिवन है, जैसे एक्स गिवन है, ये तुम्हारा वाई गिवन है और ए गिवन है तुम्हारा जेड, ओरिजिन गिवन है, एक मास यहाँ पे है एम वन, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आर वन, एक मास मान लो कि गिवन है यहाँ पे एम टू, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आर टू, और एक मास मान लो गिवन है एम एन, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आर एन, ठीक है।
तो इसमें हम निकालते हैं आर सेंटर ऑफ मास, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस प्लस प्लस, जितना है, टू है तो टू के लिए लिखेंगे, एन है तो एन के लिए लिखेंगे, एम एन आर एन और अपॉन में कितना लिखेंगे, एम वन एम एन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो इसको नोट कर लो, इस पर भी दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा। सेंटर ऑफ मास का ही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, ये है तुम्हारा पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमने लिख दिया सी ओ एम, नोट कर लिए। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम एंड देयर पोजीशंस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम एंड देयर पोजीशंस, टू आई कैप प्लस 5J कैप प्लस 3K कैप एंड, फिर से बोल रहा हूँ, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13K कैप एंड, नहीं 13 लिख लो 13 एंड माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2K कैप, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर से क्वेश्चन बोल दूं, एक बार रिपीट कर दूं, देखो टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम एंड देयर पोजीशंस 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप एंड -6i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन देयर सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है।
अभी हमने जो पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है? डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल क्या होता है? पॉइंट मास। पॉइंट मास का मीनिंग क्या हुआ? उसका साइज क्या है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, अभी हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो क्या, सभी क्या है? पॉइंट मास, यानी कि जो मास है उसका साइज क्या है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, सिक्सटीन हंड्रेड आ गया। और उसमें और अपॉन में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की हो तो पहले मैं आंसर देख लेता हूँ। आंसर है सिक्स माइनस सिक्सटीन आई कैप प्लस सेवनटीन जे कैप प्लस सेवन के कैप अपॉन में फोर। कर लो या वैसे भी रखोगे तो ग्राम में भी ग्राम से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम केजी में कन्वर्ट करो या ग्राम में कन्वर्ट करो। देखो इसमें जब रखेंगे तो ऊपर ग्राम में तो नीचे भी ग्राम में, ऊपर केजी में तो नीचे भी केजी में रखेंगे। अपॉन में फोर। ठीक, देखो इसमें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं। जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे हमको लिखना है आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन में क्या लिखेंगे? एम वन प्लस एम टू लिख देंगे। ठीक है, एम वन कितना है बताना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम लिख दिए, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। फाइव जे कैप प्लस 13 के कैप। ठीक है, एम टू बताओ कितना है? 300 300। माइनस 6i प्लस 4j माइनस 2k। और अपॉन में कितना लिख देंगे? 100 प्लस 300। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, है ना? तो कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ये कितना हो जाएगा? 18i कैप 12j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। तो i बता दो, तो माइनस 16i कैप, यहाँ पे प्लस 2i है और यहाँ पे माइनस 18। यहाँ पे देखो j और j कितना हो जाएगा? 17j कैप प्लस अच्छा यहाँ पे हाँ 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 7 के कैप, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 4, और मीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा आर सी एम। कुछ नहीं है, सिंपल है। या जैसे मान लो कि इसका गिवन है, चलो ये क्वेश्चन में अभी मैं लिखाता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स सी एम हमने निकाल लिया, वाई सी एम निकाल लिया, जेड सी एम निकाल लिया, पोजीशन निकालना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर सी एम इक्वल टू हम लिख देंगे एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के
कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है। क्या मान लो कि अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे, जैसे मान लो कि उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम निकाल दोगे, और उसका पूछा जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर निकालो, तो उसमें ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, दिखाऊं। थ्री पॉइंट मासेस ऑफ 1 kg 2 kg एंड 3 kg लाई एट कोऑर्डिनेट लिखना 1, 2, 0 ठीक से मैं बोला हूँ, 3 point masses ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 3 kg लाई एट ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेट 1, 2, 0 ब्रैकेट बंद करो, फिर लिखो ब्रैकेट शुरू करो 0, ऐसे में लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऐसे गिवन है 1, 2, 0 दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है 0, -1, 0 ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3, 0 तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वन के जी टू के जी थ्री के जी मासेस हैं और इस सबका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पहले हम एक्स सी एम वाई सी एम निकाल लेंगे और फिर एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस ये कर देंगे, या तुम यहीं से आर वन आर टू निकाल लो, आर वन को हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, जैसे मर्जी वैसे कर। आंसर बता दूं, 7i का -j का दिया हुआ है 7/6 i कैप प्लस 7/6 i कैप माइनस 2j कैप, सेवन बाई सिक्स आई कैप माइनस 3/2 j कैप आ गया, कुछ नहीं है सिंपल है, तुम चाहो तो इसको ऐसे ही कर लो। अच्छा ये बताओ कि पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करूं या हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, M1 का कोऑर्डिनेट है M1 1 kg है, यहाँ पे M2 है M2 इक्वल टू 2 kg है,
और यहाँ पे एम थ्री गिवन है वो 3 kg गिवन है, ठीक है। तो इसमें आर वन को हम ऐसे लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, और आर टू हम ऐसे लिख सकते हैं 0i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, और आर थ्री को हम लिख सकते हैं क्या 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप, और ये फॉर्मूला पुट कर दो M1R1 प्लस M2R2 दिस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो करो। अच्छा, तो अभी तो हमने किसका सेंटर ऑफ मास बताया, पॉइंट मास का। अब जैसे मान लो कि एक बुक यहाँ पे है, एक बुक यहाँ पे रख दिया हमने, और मैं बोला कि जैसे चलो पर इसी में बनाता हूँ, यहीं पे बना दूंगा, नोट कर ली। जैसे मान लो कि एक बुक हमने यहाँ पे बना दिया, एक कॉपी हमने यहाँ पे बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, और मैं बोला कि अब इस सब का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो कैसे निकालेंगे? कि ये तो कुछ गिवन नहीं है। मान लो कि ऐसे, मान लो कि ये तीन, ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है। इस बॉडी का क्या है, साइज है, समथिंग साइज है। तो मैं बोला कि अब इस तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सब का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। जैसे ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे, मान लो कि यहाँ पे है इस, मान लो कि ये रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया है, यहाँ पे आ गया। ये भी रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया। तो अब हम ये जूम करेंगे कि इस पूरे ट्रायंगल का मास कहाँ पे है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। इस पूरे रेक्टेंगल का मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस पूरे रेक्टेंगल का मास यहाँ पे है। अब इसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि पॉइंट मास, इसको पॉइंट मास एज्यूम करेंगे। और मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट आ गया x2, y2, इसके सेंटर ऑफ मास का, और इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया x3, y3, ठीक है। तो फिर अब मास मान लो कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसका मास m3 है। तो अब हम क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। अभी कुछ ऐसा होगा जिसे हम निकालेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे, वो हम बताएंगे। कुछ ऐसा गिवन होगा जिसे हम निकाल देंगे, ठीक है, समझ रहे होगे ना। ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, पॉइंट तो है नहीं। तो ये जितने भी बॉडी है जिसका शेप साइज समथिंग है, या इसका साइज क्या है, नेग्लिजिबल नहीं है, कंसिडरेबल है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी हैं सबका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और जिससे इसका सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पर निकाल लिया, इसका सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसका सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट मास मान लेंगे, और फिर एज्यूम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन है इस पे, चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और नहीं तो एक NCERT का ही क्वेश्चन है। देखो एक वहीं दिया हुआ एग्जाम्पल, ए लेमिना दिया हुआ ना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ए यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना। चलो पहले मैं बना, समझ में आया कि कैसे क्या करेंगे। नोट करना है इसको, तो करो, एक ही पेज बचा है तो करो। मैं पेज दे रहा हूँ अभी, लो इस पे लिखो। ठीक है।
अच्छा चलो इधर मैं क्वेश्चन तब तक बना दे रहा हूँ। देखो ऐसे की बने, क्या अच्छा एक मिनट पहले अभी रुक जाओ, पहले फिगर बना लेने दो, फिर मैं समझाता हूँ। देखो इसमें जो गिवन है वो तो ओरिजिन है, तो 0,0 गिवन है, इसका गिवन है तुम्हारा 2,0, इसका गिवन है 2,1, इसका गिवन है तुम्हारा 1,1, और इसका गिवन है 1,2, और इसका गिवन है 0,2। दिया हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विथ डायमेंशन एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg, इसका टोटल मास क्या है 3 kg है। लेमिना का मतलब क्या हुआ, सीट प्लेट, सीट है। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना, ये क्या है रेक्टेंगुलर लेमिना है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, फ्लैट सीट है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, पहले देख लो ये 3 kg का है, ये तीनों इक्वल है बुक में, देखो तीनों इक्वल है इन शोन इन फिगर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, इसको मैं कर, पहले मैं करके इसको मैं करके बताता हूँ, फिर एक और तुम लोग को दूंगा, ठीक है। नहीं पूरे का 3 kg है, तो इंडिविजुअल का कितना होगा, 1 kg 1 kg 1 kg, ठीक है। एक बुकलेट में देखना तुम अपने, ये बहन एक स्फीयर है, एक स्फीयर है उसके साथ एक ट्रायंगल या कुछ है, उसका दिया हुआ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, उसका डेंसिटी सब कुछ दी गिवन है, ठीक है। मैं करूँ इसका, अच्छा तो तीनों क्या है, किस शेप का, स्क्वायर शेप का है, अच्छा इसका ये तुम्हारा 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,0, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो ये है तुम्हारा 1, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और सुनो एकदम निकाल सकते हैं, और ए लेंथ कितना है 1, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ 0.5, तो 0.5,0.5 कर देते हैं, ठीक है। ए मान लो कि M1 है, अच्छा इसका कितना होगा जल्दी बता दो, जैसे यहाँ पे जैसे 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5,0.5, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये 2 meter है, ये तुम्हारा कितना है 1 meter है, तो इसका बताओ हाइट कितना हो जाएगा, इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1.5, और ये तुम्हारा M2 है, और ये तुम्हारा क्या है M3 है, ठीक है। समझे हो कि कैसे मैं निकाला हूँ इसका, जैसे अब इसको ऐसे मान लो कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, इसका मान लो कि लेंथ कितना है 1 meter, और विड्थ भी कितना है 1 meter, तो 1 meter का हाफ कितना होगा 0.5, और इसका भी कितना होगा 0.5। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे इसी के लॉन्ग इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, ए लेंथ है 1 meter और इसका हाफ, इसका ये 1 meter, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा 1.5। अच्छा देखो ये 0.5 meter है, तो इसी के लॉन्ग ये भी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.5 meter, और ए लेंथ कितना हो जाएगा, ये 1 meter है और ये 0.5, तो ये 1.5 हो जाएगा।
बताओ अगर कोई डाउट है तो अब लिखो इसमें एक सी एम वाई सी एम निकाल दो, एक सी एम कितना होगा वाई सी एम कितना होगा निकाल दो। हाँ तो इसका निकालना है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। मास ले रहा है ना हाँ 3 kg की बने। टोटल हाँ टोटल मास 3 kg है तो इंडिविजुअल का कितना हो जाएगा 1 1। कितना आंसर आया है 2.5 5/6। ठीक है एक सी एम ना। हाँ दोनों 5/6 है। टू 2.5/3 5/6 आएगा। हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक और मैं दे रहा हूँ। ये देखो एक टी शेप है देख रही हो ना, टी शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सबसे चैप्टर में सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है? रोलिंग, रोलिंग मोशन। रोलिंग फ्रिक्शन नहीं, रोलिंग रोलिंग मोशन मोशन। रोलिंग मोशन क्या है? मेडिटेशन नहीं होती हमारे यहाँ पे तो ना। जैसे जैसे ये फैन क्या करेगा, अगर मैं इसको ऑन कर दूं फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है। और ये जैसे मान लो कि इस पे मैं इसको रख दिया, ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है। और फुटबॉल को जैसे अगर मैं यहाँ पे रोल कर दूं, फुटबॉल को ऐसे कर दूं, तो क्या करता है, रोल भी रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है। या कार का व्हील, मूविंग कार का व्हील क्या करता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। ठीक है। तो देखो इस चैप्टर को तो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। बच्चों को लगता है मुश्किल, मुझे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये मुश्किल है स्पेशल IIT एडवांस के लिए। इससे क्वेश्चन एकदम 100% आएगा और टीचर बताते हैं कि कहीं टॉप 100 में आएगा भाई, ये सब बनाएगा नहीं तो बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल आता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको एडिशनल लेके चलो, और इससे अच्छा है कि और सब टॉपिक ईजी है उस पर ओवर कमांड कर लो ताकि उसके क्वेश्चन को करके आ जाओ। इस पर जितना भी ओवर कमांड करोगी कम ही पड़ जाएगा। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ, हो गया 8 से। अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं है, 8 9 10 छुट्टी है तो उस 3 दिन में क्लास रखूँगा और रिवीजन कराऊँगा। ठीक है। तो चलो एक इसका करके बता दो तुम लोग सेंटर ऑफ मास। हाँ तो क्या, हाँ तो ठीक है, तो फिजिक्स का है तो तुम लोग आओ ना, रिवीजन करो, क्वेश्चन पूछो। नहीं तो बाकी पेपर भी है तो ये भी तो करना है। चलो ठीक 1 मिनट। चलो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, मैं सभी डायमेंशन बता देता हूँ। ये है तुम्हारा 2 मीटर और ये है तुम्हारा 3 मीटर और ये भी है तुम्हारा कितना 3 मीटर और ये है तुम्हारा 6 मीटर। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा 8 मीटर हो जाएगा।
और ए भी तुम्हारा 2 मीटर है। अब देखने में लगे या न लगे उसे कोई मतलब नहीं है, ए 2 मीटर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास बताना है, यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये ऐसे ऐसे गिवन है, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में है तुम्हारा एक्स एक्सिस। वाई सी एम निकालना है, इस केस में हमको क्या निकालना है, वाई सी एम इक्वल टू व्हाट। एटी शेप का कोई प्लेट है ना, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टी शेप प्लेट, ठीक है, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टी शेप्ड प्लेट। अपना अपना बनाओ, क्वेश्चन है देखो यहीं पे है, यही क्वेश्चन है, हमने लिखा भी दिया, वही लिखाया हूँ जो इसमें दिया हुआ है, सब कुछ मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, देख लो यही क्वेश्चन है, देखो समझ गई, सब कुछ फिगर जो यहाँ पे गिवन है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। और हिंट्स के लिए इसका डेंसिटी क्या, देखो डेंसिटी एक होता है लेमडा, लीनियर चार्ज, लीनियर डेंसिटी वो होता है मास अपॉन में लेंथ, एक होता है सरफेस डेंसिटी यानी कि मास अपॉन में एरिया, और एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसका सिग्मा गिवन है, कॉन्स्टेंट गिवन है, और ये क्या है सरफेस डेंसिटी, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा मास अपॉन में एरिया। देखे इक्वल एक हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका थिकनेस क्या है इक्वल है, बस यही हम मान के चल रहे हैं। एक रेक्टेंगल ले लो, एक ये रेक्टेंगल ले लो, हाँ एकदम सेंटर पे है, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास वाई सी एम, यहाँ पे देखो वाई सी एम फाइंड करना है, तो बताओ तो मैं करके बताऊं इसको, ये सारे क्वेश्चन स्कूल के पेपर में कराया, स्कूल में कराया जाएगा क्योंकि ये सेल में गिवन है, क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। मान लो कि इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, ये समझ लो क्या क्या क्या, अच्छा तो इसका एरिया और इसका एरिया, इसमें तो मास गिवन नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगी, इसका मास तो गिवन नहीं है कि, मान लो कि अगर कंबाइंड मास भी गिवन होता तो फिर कैसे निकालती कि इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, नहीं निकलता। तो हम ये जूम करेंगे कि इसका थिकनेस क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा क्या, नहीं ये बताओ तो क्या, हाँ, मास पर यूनिट एरिया कॉन्स्टेंट होगा, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मैं करके बताऊँ, तो चलो करो करो तुम करो, ट्राई करके जल्दी बताओ, मास गिवन ही नहीं है, देखो कोई क्वेश्चन क्वेश्चन यही है, हाँ तो बस क्वेश्चन यही है, करो क्या, बिल्कुल वेरिएबल में नहीं आएगा, आंसर है इसका 2.71 मीटर,
करो। कुछ नहीं करना। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो मैं करूं। अच्छा देखो, तो ये तो समझ गया कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी पे होगा। पहले इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अच्छा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? जीरो कैसे होगा? ये 2 मीटर है तो इसके होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। ठीक है। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहाँ पे होगा 0, -3। क्यों? ये वाई एक्सिस है तो ओरिजिन ऊपर है, नीचे की ओर वाई है। माइनस में वाई माइनस नहीं लिया, ऊपर में वाई कोई जरूरी नहीं, वाई को हमने नीचे ही ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा? ठीक से देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना है? 6। ये तुम्हारा 6 है तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देख रहे हो ये लेंथ कितना है? 2 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके हाफ पे होगा तो 0.1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तो कितना है? 2 मीटर है और ये कितना है? 6 है, तो 6 का हाफ कितना होगा? 3 होगा, तो 2 और 3 5। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मास मान लो कि m1 है और इसका मास मान लो कि m2 है। ठीक है, तो YCM निकालना है तो क्या लिखोगे? Y1 M1 Y1 + M2 Y2 अपॉन में कितना हो जाएगा? M1 + M2 हो जाएगा। ठीक है, से एकदम निकल जाएगा। अच्छा सुनो, मास तो गिवन नहीं है, मास क्या लोगे? मास तो गिवन नहीं है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जल्द बताओ? 16 हो जाएगा। तो इसका मान लो कि इसका थिकनेस सभी जगह यूनिफॉर्म है, तो मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? सिग्मा इजिकल टू मास अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा? 16। तो M1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 16 सिग्मा। सुनो, M2 क्या लिखेंगे? जैसे सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख देंगे M2, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 12 12। तो M2 कितना हो जाएगा? 12 सिग्मा। बता दो, अब इसमें पुट कर दो, अब इसमें पुट कर दो। M1 कितना है? 16 सिग्मा। और Y1 कितना है? 1। M2 कितना है? 12 सिग्मा। और ये कितना है? 5 है। और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये तुम कर दो 16 सिग्मा + 12 सिग्मा। सिग्मा सिग्मा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 16 + कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? कितना हो जाएगा? 70 28। इसको सोल्व करो तो टू पॉइंट सेवन वन आना चाहिए, 2.71 करो, सोल्व करो तो। टू पॉइंट सेवन वन मीटर क्या था? कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस टाइप से कोई भी गिवेन हो, जिसका मास नहीं गिवेन हो, उसका एरिया तो गिवेन है या वॉल्यूम गिवेन हो, तो इस टाइप से हम करते हैं। 55 हो। अच्छा ठीक है, तो हमने अब करा दिया सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा कंटिन्यूअस, जैसे एक रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो सब मैं कराऊंगा। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।